गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम इन अवर ऑनलाइन क्लास एम दिव्य चौक से। बच्चों, हमने कल लाइव क्लास में आई एम द म्यूजिक मैन पोयम पढ़ी थी, ठीक है, जिसकी आज हम वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट वर्ड है म्यूजिक। मैंने आपको एक वर्ड दिया था कि आप पोयम में लिखेंगे नोटबुक में और न्यू वर्ड्स डिफिकल्ट वर्ड में अंडरलाइन करेंगे, लेकिन आपने ये वर्क नहीं किया है। तो देखिए, आज वर्ड मीनिंग कर रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट वर्ड है म्यूजिक, ठीक है। म्यूजिक का मतलब क्या होता है कि जैसे जब आप गाने सुनते हैं, मैंने बताया था आपको कि जब हम गाने सुनते हैं तो गाने के पीछे हमको एक बैकग्राउंड में कोई ना कोई धुन सुनाई देती है, वह क्या कहलाती है, म्यूजिक कहलाती है। उसे क्या कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंटल साउंड कहा जाता है, जिसे वाद्य भी कहते हैं। फिर देखिए, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिससे कोई ना कोई म्यूजिक निकलती है। जैसे कि हमने पढ़ा था पियानो, ड्रम के बारे में हमने इस पोयम में पढ़ा है। आप और भी इसके अलावा जानते हैं, जैसे कि गिटार हो गया, हारमोनियम हो गया, ढोलक हो गया, इन सब से कोई ना कोई म्यूजिक निकलती है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, म्यूजिक कहते हैं। सेकेंड नंबर है फार। फार का मतलब क्या होता है, एट अ ग्रेट डिस्टेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, दूर। जैसे कि पोयम में हमने पढ़ा था कि वह म्यूजिक मैन जो था वह कह रहा था I come from far away, मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो far का मतलब क्या होता है, दूर। At a great distance, distance का मतलब होता है दूरी, ठीक है। जैसे third number है away, at a distance from a particular place, मतलब एक जगह से दूसरे जगह के बीच का distance है वह क्या कहलाता है, away। जैसे कि हमें जब कहना होता है कि यह हमसे कितना दूर है, तो किसका प्रयोग करेंगे, अवे का, जिसलिए इसमें कहा गया है फार अवे। अगर फार अवे को साथ में कहा जाए, मीनिंग निकाली जाए, तो फार अवे का मतलब होता है बहुत दूर से। फिर देखिए प्ले। प्ले का ये दो मीनिंग होते हैं, एक तो आप जानते हैं प्ले का मतलब होता है खेलना, और एक प्ले का मतलब होता है, प्ले का मतलब होता है बजाना, ठीक है। टू बी इन्वॉल्व, जैसे हम क्या कहते हैं, टू बी इन्वॉल्व, मतलब कि बजाना। जैसे कि हमने पढ़ा कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट को जब हम बजाते हैं उसे क्या कहते हैं, प्ले करना कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पियानो। आ लार्ज कीबोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम पियानो कहते हैं। तो जैसे कि आपको बुक में आपने देखा है, एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक गर्ल जो है वो पियानो बजा रही है, जो कि इस तरह का कीबोर्ड टाइप होता है, जैसे कि टेबल रखी हुई होती है और उसमें एक चेयर में बैठ के वो जो गर्ल है वो पियानो बजा रही है। ये जो है आलाज कीबोर्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसका एक पर्टिकुलर कीबोर्ड होता है, सबकी एक अलग, उसका एक तरीका होता है पियानो बजाने का, जिसमें आपने देखा होगा ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट, इस तरह की पट्टी दिखाई देती है। फिर देखिए नेक्स्ट है ड्रम। ड्रम आपने देखा होगा जब आपने ऑर्केस्ट्रा में गाने सुने होंगे, तो एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होते हैं, गिटार बजाने वाले वहाँ पे बैठे होते हैं, और एक ड्रम बजाने वाले जिसमें इस तरह के तीन ड्रम रखे हुए होते हैं जिसे स्टिक की हेल्प से बजाया जाता है। तो देखिए एन इंस्ट्रूमेंट प्लेड विद हैंड्स और स्टिक, मतलब कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हाथ से भी बजा सकते हैं और स्टिक से भी बजा सकते हैं, जिसे हम ड्रम कहते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले, मतलब कि जो हमने पोयम में जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा है उसके हमको नाम बताने हैं। तो हमने पढ़ा है पियानो और दूसरा ड्रम। द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम। नेक्स्ट है कि जो म्यूजिक मैन है वह क्या प्ले कर सकता है, पियानो और ड्रम प्ले कर सकता है। फिर सेकेंड नंबर देखिए, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम, मतलब कि जो म्यूजिक मैन है वह कहाँ से आया है। तो उसने कहा क्या बताया था कि वह कहाँ से आया है, उसने कहा था आई कम फ्रॉम फार अवे, मतलब कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो इसको मान से लिखेंगे द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम फार अवे। तो इस तरह से हमारे कंप्लीट होता है। तो आप सभी बच्चे वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और चेक जरूर करेंगे। अगर तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।